Good morning, all of you. So today we are going to start with another source of borrowed fund, which is commercial banks. So commercial banks and financial institutions, they also serve as an important source of financing for the businessmen, right? So let us study both these commercial banks as well as financial institutions and their respective merits and demerits. So commercial banks, you know what is a commercial bank? It's a financial institution which performs two main functions, that of accepting deposits and advancing loans. Okay? So as far as funding or providing funds to the businessman is concerned, commercial banks, they play a very important role. They play a vital role in providing funds, as they provide funds for to meet the various needs of the businessmen, catering to different time periods. Yani agar businessman ko short term ke liye chahiye loan, medium term ke liye chahiye ya long term ke liye chahiye apni fixed capital requirement ko fulfill karne ke liye, to commercial bank se wo loan le sakta hai. So banks, they extend loan to the firms in different forms like cash credit, bank overdraft, term loans, purchase or discounting of bills, and issue of letter of credit. ठीक है, हरसिमरन, this is last warning. So commercial banks जो हैं, हर साइज के और हर टाइम पीरियड के लिए फॉर्म्स को लोन्स दे सकते हैं. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स इन विच दे प्रोवाइड लोन, लाइक कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट में क्या होता है, बैंक जो बोरोअर है उसके अकाउंट में एक स्पेसिफाइड अमाउंट डाल देता है. ठीक है, दिस इज जनरली प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स लाइक स्टॉक्स. अगर आपने बैंक को बोला कि आपको 5 लाख का कैश क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए, तो बैंक आपके अकाउंट में 5 लाख डाल देगा एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट. और आप उसमें से अगर आपको 1 लाख चाहिए, आप 1 लाख विदड्रॉ कर लीजिए, 2 लाख चाहिए, 2 लाख विदड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, अगर आप 1 लाख विदड्रॉ, चाहे आपके अकाउंट में बैंक ने 5 लाख डाला हुआ है, लेकिन आपको इंटरेस्ट उतने के ऊपर ही पड़ेगा जितना आप अमाउंट यूज कर रहे हो. एंड फॉर द दैट मच टाइम पीरियड फॉर विच यू आर यूजिंग दिस, अगर आपने 2 लाख विदड्रॉ कराया और 2 महीने बाद वापस डाल दिया अकाउंट में, फिर आपको 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा पड़ेगा, और 2 मंथ्स के लिए ही पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द फैसिलिटी ऑफ कैश क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स. दिस इज जनरली अवेल्ड बाय द बिजनेसमैन टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. सेकेंड वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट. I guess all of you are aware of this facility. This facility is available to the current account holders of banks. जो बैंक के पुराने कस्टमर्स हैं, जिनका बैंक में करंट अकाउंट है, वो जनरली ये फैसिलिटी अवेल करते हैं. ये क्यों अवेल करते हैं? क्योंकि उनका करंट अकाउंट है, उसमें उतनी ट्रांजेक्शंस होती हैं, उसका हिसाब किताब नहीं रखते हैं, कई बारी फंड्स कम होते हैं और उनको वो पेमेंट ज्यादा की कर देते हैं, चेक काट के दे देते हैं, तो हमेशा ये खतरा रहता है कि चेक कहीं डिसऑनर ना हो जाए, है ना, बाउंस ना हो जाए. तो अगर आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है, लेट अस से ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, लिमिट मिलती है आपको कि आपके अकाउंट में जितना मर्जी बैलेंस है उसमें प्लस, अगर आपकी लिमिट है 60,000, तो प्लस 60,000 तक आप अवेल कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस से आपके अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ है, आपने 1.5 लाख का चेक काट के दे दिया,
तो वो आपका चेक डिसऑनर नहीं होगा। तो अगेन इसका भी सेम वैसे ही सिचुएशन है, आपको ओवरड्राफ्ट 60,000 का मिला है लेकिन आपको इंटरेस्ट उतना ही पे करना पड़ेगा जितना आप उसको यूज करते हो, और उतने टाइम पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने टाइम पीरियड में आप इसको यूज करते हो। अगर आप यूज नहीं करते ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरह से बैकअप की तरह है, कुशन की तरह है कि कल को अगर ज्यादा अमाउंट का चेक काट दिया या आपके पास पैसे नहीं है सप्लायर को पेमेंट करने के लिए या लेबर को वेजेस देने के लिए, और लेबर 7 तारीख आ गई है महीने की, लेबर तो जो आप सैलरी दोगे वेजेस दोगे उसी से अपना गुजारा करेगी ना, तो आपकी वर्कर जो है स्ट्राइक उतर आने पे आ गए हैं कि हमें आपने सैलरी नहीं दी, आप कहते हो मेरे पास कैश नहीं है, तो उस केस में अगर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल की हुई है तो आप ओवरड्रॉ कर सकते हैं अपनी लिमिट से, ठीक है, आप जितनी अपनी लिमिट के बीच में ओवरड्रॉ कर सकते हैं एंड यू कैन मेक पेमेंट फॉर योर वेजेस, ठीक है। ये जनरली अनसिक्योर्ड होता है, इसके साथ कोई एसेट सिक्योर्ड नहीं होता, ठीक है। ऑल राइट, देन द थर्ड वन इज टर्म लोन्स। टर्म लोन मीन्स लोन फॉर अ यू नो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के लिए लोन, 10 साल के लिए लोन ले लिया आपने। ये जो टर्म लोन है बेटे, ये आपने जितना लोन लिया ना, बैंक ने आपको दे दिया, ड्राफ्ट बना के दे दिया या आपके अकाउंट में डाल दिया, आप उसको यूज करो ना करो, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लेना ही लेना है, ठीक है। क्योंकि बैंक ने जब आपको दिया, टर्म लोन दिया है, उसने बोला ये आपने पांच साल के लिए मांगा, तो बैंक ने कहा ठीक है ये 5 साल तक आपके पास है, आपको 10% इंटरेस्ट पड़ेगा और 5 साल बाद आपने हमें इसको वापस कर देना। आप चाहो, अब मोड ऑफ रीपेमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो बोलो मैं 5 साल बाद दे दूंगा 5 लाख रुपीज, इन बिटवीन में इंटरेस्ट दे देता हूँ, आप चाहो तो इस तरह से EMI करवा लो, इजी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, कि मैं हर महीने 10,000 रुपए दे दूंगा, इस तरह से 5 साल में मेरा ये लोन चला जाएगा, ठीक है। तो बट इसमें यह है कि आपने जितने अमाउंट ली है उतनी अमाउंट आपको उतनी अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया आपने अकाउंट्स में या नहीं? हाँ, नहीं किया, ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन यू, आपने अपने गुड्स बेचे कस्टमर को, आपने उसको 3 महीने का क्रेडिट दिया, उसने कहा मैं आफ्टर 3 मंथ्स ही आपको रीपे कर सकता हूं, तो आपने कहा ठीक है। उसने अब आपको एक अग्रीमेंट तो चाहिए ना, कैसे ऐसे वर्बली थोड़ी ना उसने कहा ठीक है मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, आप मान तो नहीं जाओगे इसको, वो आपको एक बिल्स इश्यू कर देगा जिस पे लिखा होगा कि आई सो एंड सो प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ दिस बिल एन अमाउंट ऑफ दिस आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ एट दिस स्टिपुलेटेड डेट, ठीक है। उसका नाम लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, और लिखा होगा कि मैं इतनी अमाउंट इसको इस डेट पे दे दूंगा, ठीक है। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो बिल आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो कब मैच्योर होगा? 3 मंथ्स के बाद। वो कहता है 3 महीने बाद इसको प्रेजेंट कर देना मुझे, मैं आपको कैश दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको 3 महीने से पहले चाहिए पैसे, यू कैन गो टू बैंक, यू कैन प्रेजेंट दिस बिल टू द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक वेरीफाई करेगा कि जिसने आपको ये बिल इशू किया है उसकी रेपुटेशन कैसी है, क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। इफ ही सेटिस्फाइड ही विल कीप द कमर्शियल बैंक विल कीप द बिल विद इटसेल्फ एंड लेंड यू द मनी स्पेसिफाइड ऑन द बिल। सपोज करो 1 लाख का बिल है, बैंक आपको वो रख के 1 लाख रुपए दे देगा, बैंक उसमें कुछ इंटरेस्ट काट लेगा और रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको दे देगा। बैंक आपने सपोज करो, बैंक कहता है ये 1 लाख का बिल है, मैं 10,000 इसका इंटरेस्ट काटूंगा और आपको कितना मिल गया? 90,000। आप भी कहते हो ठीक है मेरे को वैसे भी 3 महीने तक वेट करनी है,
अगर मेरे को और पैसों की जरूरत है, अगर मैं यहां से नहीं लेता तो मेरे को बैंक से दूसरी तरह से लोन लेना पड़ेगा, पैसे तो मुझे चाहिए ही चाहिए, आई नीड फंड्स, ठीक है, तो मैं कहीं और से भी लूंगा तो मुझे इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो उसने अपना ये बिल बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करवा लिया। इसको क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बैंक क्या करेगा, क्योंकि ये जो बिल्स होते हैं ना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब जिसके पास है वो इसको इन कैश करा सकता है। तो जब मेच्योरिटीज की आएगी तो बैंक जिसने ये बैंक आपको इशू किया था उसके पास जाएगा, उससे 1 लाख रुपीज ले लेगा। आपको कितने दिए बैंक ने? 90,000, ठीक है, और 10,000 क्या कर लिया? इंटरेस्ट काट लिया। इसको डिस्काउंट भी कहते हैं। सो दिस अनदर इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट वन इज इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। बेटे लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड। जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ होता है ना? तो जिस तरह से हम इंटरनल ट्रेड में ट्रेड क्रेडिट लेते हैं, 3 महीने का टाइम पीरियड ले लेते हैं अपने सप्लायर से, इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी टाइम पीरियड लिया जाता है। अब आप एक एक्सपोर्ट इंपोर्टर हो, आप यूएस कंपनी से खरीद रहे हो गुड्स, अब कितना ज्यादा डिस्टेंस है इंडिया और यूएस में, हो सकता है आप कल को फ्रॉड कर लो तो यूएस आपको कैसे क्रेडिट दे या कैसे आपके गुड्स यहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दे। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के गुड्स हैं, कल को आपके पास आ गए एंड यू रिफ्यूज टू मेक पेमेंट, हो सकता है ऐसे? सो वन हैज टू बी श्योर अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द अदर पार्टी और नॉट। तो आप जब अपनी ट्रांजेक्शन करोगे उसके साथ, अपना कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसके साथ, तो आपको वो कहेगा मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट ला कर दो। व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? लेटर ऑफ क्रेडिट विल बी इशूड बाय द इंपोर्टर्स बैंक। आपका जो बैंकर है आप उसके पास जाओगे, आप उसको बोलोगे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो। लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी होती है आपके बैंक की तरफ से। आप उसको बोलते हो, आपका जो सेलर है उसको ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी की तरह देते हो कि अगर इसने पेमेंट नहीं की तो इसकी पेमेंट मैं करूंगा। इट्स अंडरटेकिंग बाय योर बैंक दैट दिस बैंक विल मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर। तो बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट करता है, तो विच मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग फंड्स टू द इंपोर्टर। यस, सो ये वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर बैंक्स आपको लोन देता है। सो इसके मैरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मैरिट, बैंक्स प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस टू द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड बाय इट। बेटे बैंक्स के पास जनरली अगर हमारी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो हमें टाइमली लोन मिल जाता है। ऑल द मोर दीज डेज, पहले तो बहुत ज्यादा बैंक्स चक्कर लगवाते होते थे, ठीक है, कभी कहते थे ये कागज लेके आओ वो कागज लेके आओ, लेकिन आज बैंक्स के बीच में इतना कॉम्पिटिशन है। समटाइम्स आई ओपन माई ई मेल इनबॉक्स एंड देर आर लॉट्स ऑफ ई मेल्स रिगार्डिंग रुपीज 5.550 लाख आर रेडी फॉर यू, कम एंड गेट इट फ्रॉम अस। वो मेरे को ऐसे नहीं दे रहे, वो मेरे को क्या दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं, मतलब दे आर नाउ इनवाइटिंग कस्टमर्स, ठीक है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट कहां से अर्न करते हैं? क्रेडिट एक्सटेंड करके अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स, मैंने बार बार बताया हुआ है, फिर से बता रही हूं, कमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, दे आर नॉट ओपन फॉर योर वेलफेयर। हमारी टेंडेंसी है, हम कहते हैं बैंक है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें हमारे पैसे नहीं डूबेंगे। ऐसा नहीं है, बैंक बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, अगर बैंक डूब गया तो आपकी सिर्फ 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम अमाउंट आपको मिल सकती है। आपके अगर किसी बैंक में 20 लाख पड़े हैं, वो बैंक डूब गया, तो आप ये मत सोचो आपके पैसे सिक्योर है, ठीक है। तो बैंक्स जो है
वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तभी हम उनको कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, तो वो टाइमली आपको क्रेडिट दे देते हैं। देन सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस कैन बी मेंटेन्ड एज द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द बैंक बाय द बोरोअर इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। बैंक आपसे जितनी भी इंफॉर्मेशन लेता है, आपके पिछले सालों की रिटर्न लेता है, ठीक है, आपके अगर बिजनेस के लिए आप लोन लेते हो तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेता है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन वो किसी के साथ शेयर, यस दीपक, ये सारी इंफॉर्मेशन वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखता है। इसका मतलब बिजनेस के ट्रेड सीक्रेट्स सेफ हैं। देन फॉर्मेलिटीज सच एज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अंडरराइटिंग आर नॉट रिक्वायर्ड। बैंक से आपने लोन लेना है, आपको ना तो प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ेगी, ना अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। हु आर अंडरराइटर्स बाय द वे? ओके, एनीवन एल्स? हु आर अंडरराइटर्स? अंडरराइटर्स दे अंडरटेक टू बाय कंपनीज शेयर। हमारी नई कंपनी है, हमने शेयर्स इशू किए, अब क्या गारंटी है कि पब्लिक सब्सक्राइब करेगी? 90% सब्सक्रिप्शन जरूरी है, उसके बिना आप कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर पब्लिक ने ना खरीदे, फिर सारा वेस्ट एफर्ट्स, डू यू वॉन्ट टू गो योर एफर्ट्स वेस्टेड? नहीं ना, तो आप अंडरराइटर्स अपॉइंट कर लेते हो। अंडरराइटर्स वो होते हैं जो कहते हैं कि अगर पब्लिक आपके शेयर्स नहीं खरीदेगी इस कंपनी के, तो वी विल बाय दोस शेयर्स, उसके बदले वो कुछ कमीशन चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, बाद में वो बेचते रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम बैंक इज फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स एंड कैन बी रीपेड इन एडवांस व्हेन द फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आपने डिबेंचर से 10 करोड़ रुपए रेज किए और वो डिबेंचर 10 पीरियड्स के लिए, 10 ईयर्स के पीरियड के लिए, अगर आपको इससे पहले रीपेइंग कैपेसिटी बन गई तो आप डिबेंचर होल्डर्स को रीपे नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया 10 सालों के लिए, 5 साल बाद आपको लगता है कि आप रीपे करके अपनी लाइबिलिटी दूर कर सकते हो, यू कैन डू सो, ठीक है। तो दूसरी तरफ बैंक से आपने 10 करोड़ लिए, आप और लेना चाहते हो, 15 करोड़ लेना चाहते हो, तो सेम लोन के बेसिस पर आपको बैंक्स जो हैं देखते हैं आपकी रीपेमेंट ठीक आ रही है, आपकी ईएमआई आ रही है, कोई आपने डिफॉल्ट नहीं किया, तो वो लोन अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं सेम सिक्योरिटी के बेसिस पर। डिबेंचर्स वगैरह में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, ये हमारा फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड है। Then material limitations. Number one, funds are generally available for short period and its extension or renewal is uncertain and difficult. Banks जो हैं businessmen को generally short period के लिए loan देते हैं, बहुत ज़्यादा time period के लिए नहीं देते। और अगर short time period over हो गया, हम उसको renew कराना चाहते हैं, extend कराना चाहते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। Then banks make डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनीज अफेयर्स। बैंक्स जो है लोन देने से पहले काफी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज हमसे करवाते हैं, ठीक है, हमारी पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर कई बार उसमें से कोई आइटम को पकड़ लेते हैं, ये आइटम, ये एक्सपेंडिचर कहाँ पे इनकर किया, ये इनकम कहाँ से आई, सो उससे डरते हुए कई बार हम ये वाला सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज नहीं करते। Then in some cases, difficult terms and conditions are imposed by the banks. For example, restrictions may be imposed on the sale of mortgaged goods. कई बारी banks जो हैं काफी restrictions लगा देते हैं। Suppose करो आपने loan लिया goods को mortgage करके, ठीक है, particular goods को mortgage करके, अब आप उन goods को बेचना चाहते हो, तो bank हो सकता है कहे आप बेच नहीं सकते जब तक मेरा loan नहीं चुकाते। अरे उसको बेचोगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे चुकाने के लिए? सो इस तरह की कई बारी वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, जो कि एक लिमिटेशन है कमर्शियल बैंक्स के सोर्स ऑफ
financed. Clear? Anyone having any doubt? ये रमनीक सिंह अब आ रहे हैं क्लास में. All right. So another source of borrowed funds, financial institutions. बेटे गवर्नमेंट ने बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप की हैं बिजनेसमैन को फंड्स देने के लिए. आपको एक बॉक्स ई दिया है, देखिए इधर बॉक्स ई में नहीं है, एक्चुअली आगे होना चाहिए. बॉक्स ई लिखा हुआ है ना, चलो बाद में देख. ओके, दीज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स. सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सेटअप की हुई है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी सेटअप की हुई है. दीज प्रोवाइड बोथ ओन्ड कैपिटल एंड लोन कैपिटल फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लीमेंट दी फाइनेंशियल एजेंसीज लाइक कमर्शियल बैंक्स. सो समटाइम्स कमर्शियल बैंक हमें जितनी अमाउंट का लोन चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए वी अप्रोच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड बोथ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जब 1960s में बेटे हमने ये रियलाइज किया कि हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी है. अब कैपिटल की हमारी कंट्री में प्राइवेट कैपिटल की कमी थी, तो इसलिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए कि वो लैक ऑफ कैपिटल से डिस्करेज ना हो, वो ज्यादा जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज हैं वो नई से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करें, लेकिन उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने शुरू किए. ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये ना सिर्फ ओन्ड कैपिटल प्रोवाइड करती हैं, बोरोड कैपिटल भी प्रोवाइड करती हैं. ओन्ड कैपिटल का मतलब है गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर लेती है कंपनीज में, ठीक है, तो गवर्नमेंट ओनरशिप होगी, गवर्नमेंट की भी ओनरशिप होगी, तो वो ओन्ड कैपिटल होगी, राइट. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेवलपमेंट बैंक्स. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको हम दूसरा कौन सा नाम देते हैं, व्हाई डेवलपमेंट बैंक्स, बिकॉज दीज एम एट डेवलपिंग द इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री. ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती हैं, इसीलिए हम इनको डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं. अच्छा, ना सिर्फ बेटे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, these also conduct market survey and provide technical assistance and managerial services to the people who run these enterprises. 1960s ki hum baat kar rahe hain bete, 1960s 1970s india ka wo phase hai jab koi business school nahi hota tha. You know what are B schools? You being commerce students, are you aware what are business schools? Bete, there are lot of business schools in India. Those who provide you business education, BBA, MBA, jo institutions aise courses provide karte hain, unko business schools kaha jata hai. Theek hai? To ye aapko business education dete hain. यानी कि आपको तैयार करते हैं कल को आपने बिजनेस कैसे करना है. लेकिन जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर कोई बिजनेस स्कूल्स नहीं होते थे, कोई अलग से एडुकेशन नहीं होती थी बिजनेस कैसे रन करना है, ठीक है. तो पीपल वुड फील फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, है ना, बिजनेस कैसे मैनेज करना है, कहां से. अभी आपने तो प्लस वन में ही पढ़ लिया कि कल को मैंने बिजनेस करना है तो मेरे पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, ठीक है. जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में हमेशा रहेगा, लेकिन थिंक ऑफ द टाइम ऑफ योर पेरेंट्स
ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम, उनको कुछ नहीं पता था कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी गवर्नमेंट की, ये ना सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी इन लोगों को, ये मार्केट सर्वेस कंडक्ट करती थी, लोगों को बताती थी मार्केट में कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा है, आप कौन सा गुड प्रोड्यूस कर सकते हो, उनको टेक्नोलॉजिकली असिस्ट करती थी कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, किस तरह से आप अपना बिजनेस की प्रोडक्शन जो है बढ़ा सकते हैं। और मैनेजीरियल सर्विसेज, आज बेटे देखो कितने MBA इंस्टीट्यूट्स हैं। MBA क्या देता है? मैनेजमेंट ऑफ, व्हाट इज MBA? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो हाउ टू एडमिनिस्टर योर बिजनेस, हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, MBA करके आपको पता चल जाता है। लेकिन उस टाइम पे, मतलब जो कंपनीज स्पेशलिस्ट हायर करती हैं, MBAs हायर करती हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं एज कंपेयर टू दोज हु डू नॉट हायर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, है ना। तो उस टाइम पे मैनेजीरियल सर्विसेज, मैनेजीरियल टैलेंट नहीं होता था लोगों में, तो ये इंस्टीट्यूशंस मैनेजीरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती थी। ठीक है बेटे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तभी सूटेबल है जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चाहिए, आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है या मॉडर्नाइज करना है, देन दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस इज सूटेबल। नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए ये इतना सूटेबल नहीं है। मैरिट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स लॉन्ग टर्म फंड्स नहीं देते हैं, ये दे देती हैं। दीज प्रोवाइड फाइनेंशियल मैनेजरियल एंड टेक्निकल सर्विसेज, मेरिट हो गया। ओके, जो कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स लेती हैं उनकी मार्केट में गुडविल ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। रीपेमेंट इजी इंस्टॉलमेंट्स में हो जाती है तो ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता। हाँ, अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशन चल रही है, डिप्रेशन वो फेज होता है जब गुड्स की डिमांड बहुत कम है, एकदम बिजनेस लो लेवल पे है, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, लोग गुड्स नहीं खरीद रहे, ऐसे केस में कमर्शियल बैंक्स लोन देने से रिफ्यूज कर देती हैं, लोग शेयर्स भी नहीं खरीदते कंपनी के, तो या अब कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस हेल्पफुल है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज दीज आर डेवलपमेंट बैंक्स, दीज एम एट डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, तो डिप्रेशन में सबसे ज्यादा उनको पता है इंडस्ट्रीज को फंड्स की जरूरत है, दे प्रोवाइड फंड्स इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन, ठीक है। लिमिटेशंस इसकी सिंपल है, यू कैन गो थ्रू दीज ऑन योर ओन एज द टाइम इज नॉट देयर, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। विद दिस, दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड।